और प्रदेश में जहां सभी जगह चुनावी माहौल है, वहीं इंदौर शहर में गली से लेकर सड़कों तक पार्षद प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। ऐसे में पार्षद प्रत्याशी गली गली जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 64 के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश कुशवाहा ने अभिनव नगर में जनसंपर्क किया, जहां साधना ने उसकी टीम ने वार्ड नंबर 64 के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश कुशवाहा से बातचीत की। इंदौर शहर में गलियों से लेकर सड़कों तक चुनावी माहौल है, चुनावी उत्सव है। ऐसे में चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हो या बीजेपी प्रत्याशी, सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने दावों को लेकर जनता के बीच में है, गली से लेकर सड़कों तक। एक तरफ कांग्रेस के झंडे तो कहीं बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 64 में, जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिनेश कुशवाहा जी, उनसे बात करते हैं। आप इस वार्ड में प्रचार कर रहे हैं, हालांकि एक ये जो चुनाव होता है विश्वास का होता है, विचारधारा का होता है, तो ऐसे में जब जनता के बीच है तो कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद है और जनता से किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? पहली बात तो ये कि मैं ये चुनाव में खुद लड़ ही नहीं रहा हूँ, ये तो जनता चुनाव लड़ रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 7 वर्ष का समय किसी पार्षद को मिला है। बीजेपी की पार्षद नहीं, जो सीमा वीरांग जी, जो 7 वर्षों में केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार और महापौर उनका खुद का होते हुए, विधायक उनका होते हुए, संसद उनका होते हुए वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाई है। लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने पूर्व में भी इस क्षेत्र में 10 वर्षों तक जब अरविंद बागड़ी जी थे उस समय पे कार्य करा, उसी कार्य के नतीजे मेरे को 3200 वोट निर्दलीय में पिछली बार इन जनता ने दिए थे और बिन पैसे से मैंने चुनाव लड़ा था। इस बार मेरे को विश्वास है कि जो उसी 3200 वोटों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, और ये प्रत्याशी मैं नहीं बनाऊँ, ये जनता बनी, और 3200 वोटों का जो पिछला आशीर्वाद था वो 3200 को 10,000 वोटों में कन्वर्ट करने के लिए ये जनता रोड पर निकली है। और मेरे को विश्वास है कि मैं विजय होकर लौटूंगा और इस क्षेत्र की जो वास्तविक समस्या है, जो 10 वर्ष पूर्व आबादी के हिसाब से, जो 7 से 8 हज़ार की आबादी के हिसाब से ड्रेनेज लाइन और ये डली हुई थी, उसको वापस से मैं 50,000 की आबादी जो इस क्षेत्र के स्टूडेंट DAVV से लगा हुआ क्षेत्र है, तो ये उस हिसाब से मैं ड्रेनेज लाइन और रोड का और नर्मदा की व्यवस्था करूंगा। गली में जब ये एक चुनाव होता है, ये पार्टियों से परे होता है, जनरली जनता की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उसको लेकर होता है। ऐसे में अभी हमने देखा कि जो सड़कें हैं, ये जो गलियां हैं, इंदौर इतनी बार स्वच्छ आ गया है लेकिन गलियों की हालत वही है। तो अभी जो रहवासी हैं, तो क्या उनमें कोई रोष है या क्या उम्मीद लगा के अपने पार्षद जो उम्मीदवार हैं उससे बातें कर रहे हैं? हाँ, क्या है कि क्षेत्र की जनता एक उम्मीद चाहती है कि क्षेत्र में नगर निगम जो टैक्स वसूली की करता है, उसके बाद में आपके कचरा के जो पैसे वसूली करता है, लेकिन उस हिसाब से नगर निगम सुविधा दे नहीं पाता है। रोड पे तो नंबर 1 दिखता है, अंदर में जाके जब देखते हैं कॉलोनियों में तो 0 दिखता है। तो इन 0 को सुधारने के लिए मैं इस क्षेत्र के लिए कभी भी कोई ऐसी समस्या जहाँ ड्रेनेज हो या रोड हो, व्यवस्थित सफाई हो, इसके लिए अग्रसर रहूँगा मैं। एक चीज़ मैं, आप जैसे महिलाओं की भूमिका आती है, चाहे घर हो बाहर, आप लोग भी बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं और एक सभ्य समाज के निर्माण में आपकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में आपका जो क्षेत्र है, किस तरह जो किस परिस्थितियों से आपका वार्ड सफर करता है और क्या चाहते हैं? हमें तो यही चाहिए, जल सफाई और रोड अच्छा होना चाहिए। और फिर अपने यहाँ जैसे नर्मदा की लाइन की प्रॉब्लम है, गंदा पानी आता है तो साफ पानी आना चाहिए। ये ड्रेनेज लीकेज होती है, गंदा पानी आता है। तो आपने इसके पहले शिकायत उकायत की है? इसके पहले जून पे की थी। सही नहीं होती है? नहीं, चेंबर का पानी आता है उसमें। सही नहीं हुई है? हाँ। पार्षद जो पहले थे पूर्व में थे, उनसे आपने जो है तो ये कांग्रेस बागड़ी जी के हाथ का ही है, रोड भी और ड्रेनेज लाइन भी सब। जो ये पिछला जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसमें आई नहीं, एक बार आई थी हाथ जोड़ने, उसके बाद अभी तक आई। आपने ये सारी समस्याएं? हाँ, मैंने कई समस्याएं देखी। मेरा कहना कि मैं निरंतर 30 वर्षों से कार्य कर रही हूँ, किसी गरीब परिवार से हूँ मैं, वास्तव में तो मजदूर का बच्चा हूँ वास्तव में। और जब मैं निकलता हूँ तो 10 वर्षों तक जैसे छोटी मोटी समस्याएं, जैसे पेंशन है, राशन कार्ड है, ये समस्या अधिकतर आती है, समग्र ID और आधार कार्ड, ये छोटी समस्या है। तो इन समस्याओं को निरंतर जब मैं नीवी पार्षद था तो मेरे स्तर पर मैं करता था, लेकिन अब मुझे पार्षद बनने के बाद एक पावर मिलेगा। जब पावर होगा तो जो पार्षद बजट होता है वास्तव में, और जब मैं पार्षद निधि के अनुसार सभी क्षेत्र का विकास करूँगा और आगे भी, जैसे लोग कहते हैं कि सरकार नहीं, महापौर नहीं रहेगा तो कैसे विकास होगा। पार्षद निधि एक पर्याप्त राशि होती है जिससे आपका क्षेत्र का विकास कर सकते हो। जिस हिसाब से अगर आप में अनुभव हो तो पार्षद निधि, विधायक निधि, संसद निधि और मुख्यमंत्री निधि और कलेक्टर जो गरीब उन्मूलन प्रकोष्ठ से पैसा आता है वो उसका सही उपयोग कर दो तो क्षेत्र का विकास यूँ हो जाता है।
एक आपने बात बोली कि अगर महापौर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो आप मान के चलते हैं कि बीजेपी का महापौर बने? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि जिस हिसाब से इंदौर में कोरोना काल में संजय शुक्ला जी ने जो कार्य करा एक सोनू सूद बनकर, उसको देखते हुए इस बार जनता ना संजय शुक्ला को भारी बहुमतों से महापौर बनाएगी। तो ये थे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 64 से, जो दिनेश कुशवाहा जी। वो उनका कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। और ये जो महिलाओं ने जो कि जैसा कि बताया है कि ये गलियां आज भी ड्रेनेज और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और ये अगर जीत के आते हैं, जनता अगर इनको चुनती है, तो सबसे पहले वो जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और इसीलिए उनको चाहिए कि एक पार्षद निधि का पैसा वो जनता की मूलभूत सुविधाओं में लगाएंगे। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ शीतल रॉय, इंदौर।